हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आज के इस वीडियो पर थंबनेल लगा है, और वो थंबनेल में हमारे एक बहुत ही सिंसियर, बहुत ही बढ़िया और संघर्षशील साथी द टेक चैम्पियन स्पोर्ट चैनल जो चलाते हैं अंशु मौर्य जी, उनके बारे में ये एक वीडियो बन रही है। क्योंकि वो पिछले 2-3 दिन से बड़े परेशान हैं, वो पता नहीं किस फ्रस्ट्रेशन में हैं, किस वजह से वो परेशान हैं, इस बात का किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन वो इन सब बातों का दोष छोटे यूट्यूबर को या बड़े यूट्यूबर को वो दे रहे हैं। अभी आपने उनका देखा होगा, 2 दिन पहले ही उन्होंने एक हॉप टॉक नाम से एक चैनल बनाया है, और उस चैनल को वो ये कहते हैं कि मैं ये चैनल जो बनाया है वो सब छोटे यूट्यूबर्स के लिए बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हॉप टॉप चैनल पर आज 1 जून 2022 को अगर हम बात करें तो उस चैनल पर 7,500 सब्सक्राइबर हैं। तो फ्रेंड्स, आप 7,500 सब्सक्राइबर का एक अंदाज़ा लगा के ये देखिए कि वो कहते हैं कि मैं एक दिन में एक यूट्यूबर को प्रमोट करूँगा। तो वो हॉट जो चैनल है, ये हॉट टॉप चैनल है, उस पर एक सब्सक्राइबर को वो एक दिन में प्रमोट करेंगे। तो अंशु मौर्य जी को 1 साल लगेगा 365 सब्सक्राइबर को प्रमोट करने के लिए, और उनके चैनल पर 7,500 सब्सक्राइबर आज की डेट में हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अंशु मौर्य जी को अपने सब्सक्राइबर को प्रमोट करने के लिए, जितने आज की डेट में उनके चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, उनको प्रमोट करने के लिए 20 साल का समय लगेगा। ये बात समझने की है कि अंशु मौर्य जी सब्सक्राइबर का, यूट्यूबर का, अपने व्यूअर का मूर्ख बना रहे हैं। वो ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा, आपके चैनल को मैं प्रमोट कर दूंगा। कैसे प्रमोट कर देंगे वो, आप सोचिए फ्रेंड्स। 20 साल का समय कोई कम समय नहीं है। एक दिन भी वो एक सब्सक्राइबर पे लगाएंगे तो उसको 365 दिन में वो 365 सब्सक्राइबर को प्रमोट करेंगे, और 7,500 सब्सक्राइबर को प्रमोट करने के लिए उनको पूरे 20 साल लगेंगे। वो किस तरह से मूर्ख बना रहे हैं। अभी रात में ही उन्होंने एक वीडियो बिल्कुल प्रायोजित तरीके से उन्होंने ये वीडियो बनाई है, और स्क्रिप्टेड पूरी तरह से वो स्क्रिप्टेड है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं रात को 3-3 बजे तक जाकर आपकी फिक्र कर रहा हूँ। कहाँ वो फिक्र कर रहे हैं छोटे यूट्यूबर्स की। नींद उनको इसलिए नहीं आ रही है कि उन्होंने अपने सब्सक्राइबर को झूठा दिलासा दिलाया है। देखिए, मेरी अंशु मौर्य जी से कोई व्यक्तिगत किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अंशु मौर्य जी को अपने आप को प्रचारित करने के अलावा कुछ भी काम नहीं है। अंशु मौर्य जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप अपने सब्सक्राइबर को कैसे प्रमोट करेंगे। एक सब्सक्राइबर को आप एक दिन में ही प्रमोट करेंगे ना। कि या आप एक काम कर सकते हैं, आप 365 वीडियो एक दिन में डालिए, 365 सब्सक्राइबर को प्रमोट कीजिए, तो कुछ समय में ही आप सब्सक्राइबर को प्रमोट कर पाएंगे ना। तो भाई, आप ये बात समझिए। आप ये जो कहते हैं ना कि मैंने पूरी रात जागता हूँ मैं सब्सक्राइबर के लिए, कहाँ जागते हैं आप पूरी रात। रात को 3-3 बजे उठ के आप वीडियो इसलिए बनाते हैं कि भोले भाले जो सब्सक्राइबर हैं उनकी जो पवित्र आत्मा है वो आपको झकझोर रही है कि आप उनके साथ गलत कर रहे हो, उनको झूठा दिलासा दे रहे हो। कैसे आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं उनको। जो आपने होप टॉप चैनल बनाया है वो आपके लिए है, आपका है, आपका था और आपका ही रहेगा। फ्रेंड्स, ये बात समझने की है। ये किस तरह से अंशु मौर्य जी मूर्ख बना रहे हैं। उल्लू की तरह पूरी रात जागते हैं। भाई, उल्लू की तरह जागना है तो आप जागते रहिए ना, पर उसका दोष इन भोले भाले यूट्यूबर्स पर मत लगाइए, अपने सब्सक्राइबर पर उनका दोष मत दीजिए ना। आप अच्छे आदमी हैं, मैं मानता हूँ, आप संघर्षशील भी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने जो ये नया जरिया निकाला है ना, दूसरे लोगों की तरह जो लोग कोर्स बेचते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कहा था मैं आपको अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में, आपको उन कोर्स की सच्चाई भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको कोर्स के नाम पर भी लूटा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप अवेयर रहें, जागरूक रहें, और आप अपने चैनल को खुद से चलाएं। तो फ्रेंड्स, अंशु मौर्य जी ये साबित नहीं कर सकते कि वो छोटे यूट्यूबर्स को कैसे प्रमोट करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
मैं एक बात कहना चाहता हूँ अंशु मौर्य जी, 20 साल का समय आपको लगेगा इन छोटे यूट्यूबर्स को प्रमोट करने के लिए। आज की डेट में जो आपके पास जितने भी यूट्यूबर हैं प्रमोट, आपको आपके सब्सक्राइबर 7,500 हैं उनको प्रमोट करने के लिए आपको 20 साल का समय लगेगा। और फ्रेंड्स ये आपके लिए भी है, आज आप अपना चैनल बनाएं और चैनल बना के आप होपटॉक चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो भी आपका नंबर 7,500 सब्सक्राइबर के बाद आएगा और आपकी प्रमोशन के लिए 21 साल बाद 20 साल बाद 21वें साल में आपका चैनल प्रमोशन के लिए अंशु मौर्य जी के पास जाएगा। यार देख कितनी मूर्खता की बात है कि अंशु मौर्य जी किस तरह से आप सबका मूर्ख बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज जागने की जरूरत है, आप जागिए, आपको जागना ही होगा। और अंशु मौर्य जी को ये सबक सिखाने की जरूरत है कि यार आप प्लीज इन सब का मूर्ख बनाना बंद करें। भाई अंशु मौर्य जी आपका टेक चैंपियन स्पोर्ट चैनल जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी खतरे में है। आपने पीछे भी बताया था कि उस चैनल पर स्ट्राइक आई हुई है, स्ट्राइक के कारण शायद आपको चैनल वो डिलीट ना हो जाए, वो चैनल आपका बंद ना हो जाए और आपको अभी तक सिल्वर प्ले बटन भी इसी कारण से नहीं मिला है। तो आपने एक जरिया निकाला है अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, ठीक है आप करिए, ये आपका हक है, आपका अधिकार है। लेकिन आप इन भोले भाले यूट्यूबर्स को, भोले भाले सब्सक्राइबर को तो कम से कम मूर्ख ना बनाएं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइबर का मूर्ख बनाना बंद कर दें प्लीज़। तो फ्रेंड्स आप भी अपने विवेक से काम लें क्योंकि इन बातों से किसी का भी भला होने वाला नहीं है। और ये मेरी आत्मा की आवाज़ है कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप अंशु मौर्य जी की बातों में न आएं। और भोले भाले जो हमारे छोटे यूट्यूबर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे अंशु मौर्य जी को गूगल पे पेटीएम के द्वारा भी पैसे दे रहे हैं। यार आप उन पैसे से इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, आप कोई भी सामान खरीदेंगे, कोई भी आप स्टूडियो बनाएंगे, वो स्टूडियो आपका अपना स्टूडियो होगा, सामान सारा आपका अपना होगा, आप उन इक्विपमेंट्स को खुद यूज करेंगे। क्या आप उन इक्विपमेंट्स को, इन 7,500 जो आज की डेट में आपके सब्सक्राइबर हैं, इन पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे आप उन इक्विपमेंट का? नहीं करेंगे। आप और सिर्फ आप अपने लिए ही काम कर रहे हैं। तो मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है भाई कि आप प्लीज़ इन यूट्यूबर्स का, इन छोटे सब्सक्राइबर का, ये जो बेचारे स्टार्टिंग स्टेज में हैं, इनका मूर्ख तो मत बनाओ। दूसरे जो कोर्स बेच रहे हैं इससे बड़ी आप भी कोर्स बेच लेते हैं, कम से कम भीख तो ना मांगनी पड़ती आपको। जो आप भीख मांग रहे हैं मुझे 5 रुपये दो, 10 रुपये दो, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो, यार श्रद्धा को कोई अच्छी बात थोड़ी है अंशु मौर्य जी, आप जिस तरह से भीख मांगने का काम कर रहे हैं। तो भाई आपने एक अच्छा काम स्टार्ट किया था, जो यूट्यूबर्स के पास आप जाकर उनको प्रमोट कर रहे थे, छोटे यूट्यूबर्स का जाकर हौसला अफजाई कर रहे थे, लेकिन आपने जो ये होपटॉप चैनल जो स्टार्ट करके और लोगों का मूर्ख बनाकर ये नया प्रोपगंडा स्टार्ट किया है, ये ठीक नहीं है भाई। व्यक्तिगत अगर बात करूँ तो मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा। और ठीक है, आपका अपना काम है, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मैं किसी भी प्रकार से इस वीडियो को किसी के कहने पर नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो मेरी अपनी है, मैं अपने आप से बना रहा हूँ। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा काम तो आपको जागरूक करना था, आप खुद जागरूक हों, दूसरों को भी जागरूक करें और सोच समझकर अपने विवेक से आप चैनल को उनको सब्सक्राइब भी करें। और पैसा भी आप अगर अंशु मौर्य जी को देना है तो आप पैसा भी बड़ा सोच समझ के दें, क्योंकि आपका पैसा कहीं भी आपके काम नहीं आएगा, जो पैसा आप उनको देंगे वो पैसा आपके काम नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उससे भी मुझे प्रेरणा मिलेगी कि कोई आदमी आपको अच्छी बात बताना चाहता है तो आप उसको अच्छी बात सुनना नहीं चाहते, वो आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड्स इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।